नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। ये वाला वीडियो गोहिल वंश का इतिहास, राजस्थान के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और गोहिल वंश का लगभग लगभग जितने भी वंश हैं उनको कवर करने की कोशिश की है। विशेष रूप से आपको महाराणा प्रताप का वीडियो और राणा सांगा का वीडियो स्पेशल वीडियो में भी आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। ये वाला वीडियो ऑडियो है गाइस, इसलिए आप लोग नोटबुक और पेन साथ में लेकर के बैठें, सो दैट मैं जो जो आपको बताने जा रहा हूं वो आप नोट डाउन करते रहें, क्योंकि इसमें मैंने स्क्रीन पे कम से कम लिखा है और ज़्यादा ऑडियो को इम्पोर्टेंस दी है। अगर आप न्यू कमर हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि जो ही हम लोग यहाँ से वीडियो अपलोड करें आपके पास सूचना पहुँच जाए। तो शुरुआत करते हैं गोहिल वंश के इतिहास की। देखेगा बात करें तो हूण राजा मिहिर कुल जो है उसको उसने सातवीं शताब्दी, ये कौन सी शताब्दी, सातवीं शताब्दी के बाद में राजपूतों का जो गोहिल वंश है उसको प्रमुखता दी और इस वंश का संस्थापक जो था गोहिल था, नोट डाउन कर लीजिएगा, गोहिल था और इसलिए इस वंश को गोहिल वंश कहा गया। ऐसा चित्तौड़ प्रशस्ति जो 1274 से पता चलता है कि उस समय गोहिलों की अनेक शाखाएं थी और नैनशिरी ख्यात में भी गोहिलों की 24 शाखाओं का उल्लेख मिलता है, नोट कर लीजिएगा। प्रारंभ में इनकी राजधानी नागदा थी और बाद में इनकी राजधानी चित्तौड़ बनी, ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा। मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लेकर के यहाँ डिस्कस करूँगा कि प्रारंभ में इनकी राजधानी नागदा थी और बाद में चित्तौड़ बनी, नोट डाउन करते रहिएगा। तो मैंने बताया चित्तौड़ प्रशस्ति से पता लगता है और नैनशिरी ख्यात से भी, तो नैनशिरी ख्यात से पता लगता है कि इनकी 24 शाखाएं हैं जिनका उल्लेख मिलता है, जैसे मालवा, बांगड़, कल्याणपुर, चाकसु, धोड़, झाजपुर के पास जो स्थान हैं इन पर ये फैले हुए थे। बाद में मेवाड़ में आकर ज़्यादा शक्तिशाली हुए। मेवाड़ के गोहिल वंश की जानकारी गोहिल, जिसे गुहादित्य के नाम से भी जाना जाता है, से प्रारंभ मानी जाती है, ऐसा ओजा के अनुसार है। ठीक है, किसके अनुसार, ओजा के अनुसार है, और जिन्होंने 566 ईस्वी में मेवाड़ में गोहिल वंश की नींव डाली। इनके पिता का नाम शिलादित्य था, माता का नाम पुष्पावती था। और देखिएगा इसके बाद में उत्तराधिकारियों की भी जानकारी मिलती है जो अलग अलग लेखों ने दी है, और बापा जो था उसने हरित ऋषि के आशीर्वाद से मौर्य राजा मान को हराकर चित्तौड़ विजय प्राप्त की। बापा की मृत्यु जो है वो नागदा में हुई, नोट डाउन कर लीजिएगा, जहाँ पर बापा का समाधि स्थल बना हुआ है और जिसे बप्पा रावल के नाम से जाना जाता है, इनकी बप्पा रावल के नाम से जो प्रसिद्ध है। और बाद में अगर बात करें तो इसके जो ज़्यादातर उत्तराधिकारी उनके बारे में विशेष जानकारी नहीं है, लेकिन गोपीनाथ शर्मा की बात की जाए तो बप्पा के बाद जैसे भोज हुआ, महेंद्र हुआ, नाग, शिलादित्य, अपराजित, काल भोज, कुमान प्रथम, मदट, भ्रतभट, सिंह, कुमान द्वितीय, शाह कुमान द्वितीय, बहुत सारे लोग हुए। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि शक्ति कुमार अंबा प्रसाद था, इसके बाद 10 शासक हुए, उन 10 शासकों में अंतिम शासक विक्रम सिंह माना गया है। तो बात करते हैं देखो भ्रतभट द्वितीय की, तो भ्रतभट द्वितीय का पुत्र अल्लड़ था, जिसे ख्यातों में आलू राव कहा गया है, नोट डाउन कर लो। 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में मेवाड़ का वह शासक बना और इसने हूण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया। 953 ईस्वी का एक शिलालेख है जिससे प्रमाणित होता है कि अल्लड़ ने आहड़ के वराह मंदिर की स्थापना की और अल्लड़ ने आहड़ को अपनी दूसरी राजधानी बनाया तथा मेवाड़ में सबसे पहले नौकरशाही का गठन किया, नोट डाउन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर अल्लड़ की मृत्यु, नरवाहन के यानी के बाद में नरवाहन मेवाड़ का राजा बना और इसके बाद मेवाड़ की शक्ति जो है उसका वो कहने के लिए क्षीण होने लगी। फिर बात करते हैं गोहिलों में विक्रम सिंह के पश्चात उसका पुत्र रण सिंह शासक बना। गोहिल वंश रावल और राणा शाखाओं में बट गया, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ कि विक्रम सिंह के पश्चात रण सिंह यानी कि जिसका नाम करण सिंह था शासक हुआ और अब गोहिल जो वंश था वो दो शाखाओं में बट गया, रावल और राणा। रण सिंह के पुत्र राहप ने सिसोदा ग्राम की स्थापना की, नोट डाउन कर लो, रण सिंह के पुत्र राहप ने सिसोदा ग्राम की स्थापना की और राणा शाखा की नींव डाली, ये सिसोदा में रहने के कारण सिसोदिया कहलाए। रावल शाखा वाले मेवाड़ के शासक बने रहे और रण सिंह के बाद क्षेम सिंह मेवाड़ का शासक बना, जिससे सामन सिंह और कुमार सिंह दो पुत्र थे। 1171 में सामन सिंह सिंहासन पर बैठा, लेकिन जालौर के चौहान राज्य के संस्थापक, नोट डाउन कर लो, कीर्तिपाल, जिसे केतु के नाम से जाना जाता है, उससे हार गया। सामन सिंह के छोटे भाई कुमार सिंह ने सिसोदिया के एक सरदार थे भुवनपाल, उनकी सहायता लेकर कीर्तिपाल को पराजित कर दिया और चित्तौड़ को पुनः अपना लिया। कुमार सिंह के बाद पदम सिंह और उसके बाद जेत्र सिंह गद्दी पर बैठा। अब चालू करते हैं यहाँ से हम लोग इतिहास की। जेत्र सिंह का काल 1213 से 1252 माना जाता है, याद रखिएगा गाइज। और 1242 से 4243 में जेत्र सिंह की गुजरात की शासक त्रिभुवनपाल के साथ लड़ाई हुई, जिसमें वीर धवल के मंत्रियों वास्तुपाल और तेजपाल ने संधि करवाने की कोशिश की, लेकिन रावल जेत्र सिंह ने संधि नहीं किया था, इनकार कर दिया।
मेवाड़ को पहली बार तुर्की आक्रमण का भी सामना करना पड़ा। इसका मुख्य कारण चित्तौड़ की सामरिक भौगोलिक स्थिति थी। जैत्र सिंह ने इल्तुतमिश की सेना को भी हराया। इसकी जानकारी हमें जयसिंह सूरीकृत हमीर मार मर्दन से मिलती है। और अंतिम काल में फरिश्ता के अनुसार 1248 में सुल्तान नशीरुद्दीन मोहम्मद ने आक्रमण किया और उसे पराजित होना पड़ा। अब बात करते हैं तेज सिंह की। इसके बाद तेज सिंह 1252 से 1267 रहे। जैत्र सिंह का पुत्र था। इसने परम भटारक महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। 1253-54 ईस्वी में दिल्ली के शासक बलवन ने मेवाड़ पर आक्रमण किया, किंतु वह असफल रहा। और इनकी जो रानी थी चैतल देवी, उसने चित्तौड़ में श्याम पार्श्वनाथ नामक मंदिर का निर्माण करवाया। ये नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर आता है समर सिंह। 1267 से 1302 के काल रहा। और इनके संघर्ष 1299 में अलाउद्दीन के सेनापति उल्लू खां से हुआ, जब वह गुजरात विजय के लिए जा रहा था। जिन भद्र सूरी के तीर्थ क्लब से पता चलता है कि समर सिंह ने उन्हें दंड देकर ही आगे बढ़ने दिया। और समर सिंह का काल विद्यानाथ के लिए माना जाता है, क्योंकि उनके काल में रतन प्रभ सूरी, पार्श्वनाथ, भावशंकर, वीच शर्मा, शुभचंद्र जैसे विद्वान थे। फिर बात करते हैं समर सिंह के दो पुत्र हुए, रतन सिंह और कुंभकर्ण। कुंभकर्ण नेपाल चला गया और वहाँ पर गुहिल वंश की नींव रखी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रतन सिंह आता है 1302 से 1303। रतन सिंह को लेकर के सवाल पूछा जाता है। 1302 में समर सिंह का पुत्र रतन सिंह गद्दी पर बैठा। इसका जो प्रमाण है वो कुंभलगढ़ प्रशस्ति तथा एक लिंग महात्म्य से मिलता है। इसके काल की प्रमुख घटना अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ पर आक्रमण था, जैसा कि आपको इसके बारे में पता ही है। और जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि इसी के काल की घटना जो पद्मिनी को लेकर के है, पद्मिनी जो थी वो ऐसा माना जाता है कि राणा रतन सिंह ने हीरामन नामक तोते से पद्मिनी की सुंदरता के बारे में सुना था और उसे चित्तौड़ ले आया था। पद्मिनी सिंहलदीप यानी कि श्रीलंका के राजा गौर्धन की पुत्री थी। और फरिश्ता ने अपनी पुस्तक तारीख के फरिश्ता में भी इसकी पुष्टि की है। और इसके अलावा 1540 ईस्वी में पद्मावत की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने की, उसने इसमें पद्मिनी की सुंदरता को लेकर के वर्णन किया है। फिर महाराणा अमीर आता है। यहाँ से चालू हो गए हमारे महाराणा अमीर। तो अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय मेवाड़ का सर्वनाश का काल था, यूं कहें विनाश का काल था। और इस दौरान सिसोदा सरदार हमीर थे, जिन्होंने आरी सिंह का पोता था, लक्ष्मण सिंह का पोता था। 1326 में हमीर ने चित्तौड़ को मालवदेव के उत्तराधिकारी बनवीर से छीन लिया, ऐसा रण कपूर शिलालेख के अनुसार है तथा ओझा के अनुसार है, ठीक है। तथा सिसोदिया वंश की स्थापना की। यहाँ से मेवाड़ के शासक महाराणा कहलाने लगे। फिर से देख लीजिएगा, इससे पहले शासकों के नाम लिए थे हमने, अब यहाँ हमीर का जो काल था, यहाँ से यहाँ के शासक महाराणा कहलाने लगे। ये इंपॉर्टेंट बात है, कब कहलाने लगे, महाराणा हमीर के काल से, ठीक है। हमीर की अगर बात करें तो उनकी उपलब्धियों के कारण गीत गोविंद की टीका रसिक प्रिया में उन्हें वीर राजा तथा कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में विषम घाटी पंचानन कहा गया है। इनके बाद आगमन होता है महाराणा क्षेत्र सिंह का। महाराणा क्षेत्र सिंह 1364 से 1382 ईस्वी। हमीर के मृत्यु के बाद क्षेत्र सिंह मेवाड़ के महाराणा बने। मालवा के दिलावर खां गोरी को परास्त कर भविष्य में होने वाले मालवा मेवाड़ संघर्ष का सूत्रपात किया। और हाड़ौती के हाड़ों को दबाने का शैर्य भी क्षेत्र सिंह को जाता है। इनके बाद आता है महाराणा लक्ष्मण, जिसे लाखा के नाम से जाना जाता है, 1382 से 1421। क्षेत्र सिंह की मृत्यु के बाद उसका ज्येष्ठ पुत्र लाखा गद्दी पर बैठा। और इसी समय यहाँ पर एक खान निकली जावर के अंदर, जिसमें चांदी थी, तो इसकी वजह से इनकी आर्थिक स्थिति अच्छी हुई। और लाखा के समय में एक बंजारा था जिसने पिछोला झील के बांध का निर्माण करवाया। और लाखा के दरबार में झोटिंग भट्ट और धनीश्वर भट्ट नामक संस्कृत के प्रकांड विद्वान रहा करते थे। और लाखा का जो राठौर राजकुमारी हंसाबाई से विवाह हुआ, जो मारवाड़ नरेश राव चुंडा की पुत्री थी तथा रणमल की बहन थी। और एक प्रतिज्ञा लेनी पड़ी थी विवाह के अनुसार लाखा को, कि बड़े पुत्र राणा चुंडा को ये प्रतिज्ञा करनी पड़ी कि यदि हंसाबाई से कोई पुत्र होगा तो मेवाड़ का उत्तराधिकारी होगा। और इसी वजह से चुंडा उसका संरक्षण हो हंसाबाई का पुत्र हुआ, जिसका नाम मोकल था, वो वहाँ का शासक बना और चुंडा उसका संरक्षक। तो देखिएगा, महाराणा मोकल का आगमन हो गया 1421 से 1433। महाराणा लाखा का देहांत हो गया 12 वर्ष की उम्र में। अब मोकल को राजा बनना पड़ा, उसका विभावक चुंडा बना, किंतु हंसाबाई और चुंडा में तनाव हुआ, इसलिए चुंडा मांडू चला गया। देखिएगा, इसके बाद हम लोग देखते हैं महाराणा कुंभा। तो महाराणा कुंभा की बात करते हैं 1433 से 1468। कुंभा का जन्म 1403 में हुआ, मोकल की परमार रानी सौभाग्य देवी से हुआ। 30 वर्ष की अवस्था में 1433 ईस्वी में मेवाड़ के शासक बने। और महाराणा कुंभा को लेकर के बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि महाराणा कुंभा के काल में बहुत उपलब्धियाँ रही, इसका आपको मैं स्पेशल वीडियो प्रोवाइड करवाऊँगा।
देखिएगा यार, सहारनपुर का युद्ध 1437 में हुआ, और इसके अलावा बात करें तो 1444 ईस्वी को महमूद खिलजी ने मेवाड़ की शक्तिशाली दुर्ग कुंभलगढ़ को हस्तगत करने का प्रयास किया, किंतु वो भी असफल रहा। फिर बात करते हैं, इन्होंने देखेगा महाराणा कुंभा ने कुंभलगढ़ का दुर्ग का निर्माण करवाया, विजय स्तंभ जिसे कीर्ति स्तंभ के नाम से जानते हैं का निर्माण करवाया। इनके काल में रमाबाई, कान्हा व्यास, सारंग व्यास, अत्रि भट्ट, महेश भट्ट, मंडन प्रसाद मंडन जैसे कलाकार रहा करते थे। कुंभा ने संगीत राज, रसिक प्रिया, शूट प्रबंध, कामराज रतिसार, संगीत मीमांसा, संगीत रत्नाकर की टीका, संगीत सुधा, हरिवार्तिक, चंडी शतक टीका, वाद प्रबंध आदि की रचनाएं की। और इन्होंने इन्हीं के काल की बात की जाए तो देखेगा इनके अलावा देखेगा इन्हीं के दरबार के अंदर नाथा नाम जो मंडन के छोटे भाई थे, वास्तु मांजरी नामक ग्रंथ लिखा। गोविंद जो मंडन का पुत्र था, इन्होंने कला निधि उधार धोनी था द्वार दीपिका नामक ग्रंथ लिखे। कुंभकाल में जैन आचार्य भी थे जैसे सोम सुंदर सूरी, जय शेखर सूरी, भुवन कीर्ति और इसके अलावा सोमदेव। 1468 में राणा कुंभा की हत्या कर दी गई। अब रायमल आ चुका है 1473 से 1509 ईस्वी में। इसके पिता, अब इनकी बात करें तो इसके काल में मालवा में सुल्तान ने रणथंभौर टोडा बूंदी पर अधिकार कर लिया था। राणा रायमल के द्वितीय पुत्र जयमल ने तारा की विवाह की इच्छा प्रकट करने के कारण उन्हें राव सुल्तान ने उसकी हत्या कर दी थी। बाद में कुंवर पृथ्वीराज, इसे उड़ना पृथ्वीराज के नाम से भी जाना जाता है, टोडा जीतकर राव सुल्तान को सौंप दिया था, तारा से विवाह किया। रायमल की पुत्री आनंदबाई का विवाह सिरोही के राव जगमल के हुआ और जगमल ने जहर देकर पृथ्वीराज की हत्या कर दी। और राणा जो जयमल था, रायमल था, उसके 11 रानियां थी, 13 पुत्र था, 2 पुत्रियां थी। राणा सांगा तीसरे पुत्र थे और ज्येष्ठ 2 पुत्रों की मृत्यु के बाद रायमल ने सांगा को अजमेर बुलाकर अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। अब इनकी रानी श्रृंगार देवी ने गोसुंडी की बावड़ी का निर्माण करवाया। इनकी जो रानी थी श्रृंगार देवी, जो मारवाड़ के राव जोधा की पुत्री थी, ने गोसुंडी की बावड़ी का निर्माण करवाया। नोट डाउन करते रहें, मैंने बताया कि ये ऑडियो है, इसमें मैं स्क्रीन पे कम से कम लिखूंगा। राणा रायमल के दरबार में अर्जुन नामक शिल्पी था, गोपाल भट्ट और महेश भट्ट विद्वान थे। फिर महाराणा संग्राम सिंह की बात करते तो राणा रायमल ने सांगा को अजमेर बुलाकर अपना उत्तराधिकारी किया। डॉक्टर ओझा के अनुसार सांगा 24 मई 1509 को सिंहासन पर बैठा। शासक बनते ही सांगा संग्राम सिंह ने अपने और चारों ओर शत्रुओं से घिरा हुआ था। देखो, एक खातोली का युद्ध 1517 में हुआ। इब्राहिम लोदी ने मेवाड़ पर चढ़ाई कर दी। खातोली जो बूंदी जिला में है, इब्राहिम लोदी के निर्णायक पराजय हुई, अर्थात इब्राहिम लोदी हार गया। फिर धौलपुरिया बांडी का युद्ध जो 1518 में हुआ। फिर गागरौन का युद्ध 1519 में हुआ। मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी द्वितीय को पराजित किया और उसे कैद किया, 6 महीने तक कैद रखा, फिर छोड़ दिया उसको। फिर खानवा का युद्ध हुआ 16 मार्च 1527 को, बावड़ तथा राणा सांगा के मध्य लड़ा गया, जो विशेष युद्ध था। और इसके अलावा हम लोग बात करते हैं तो फिर राणा रतन द्वितीय आता है 1528 से 1530। महाराणा सांगा की मृत्यु के बाद रतन सिंह द्वितीय, यानी कि जोधपुर की राजकुमारी धनबाई का पुत्र था, वो गद्दी पर बैठा। इसके बाद राणा विक्रमादित्य आया 1531 से 36। उनकी मृत्यु के पश्चात, यानी कि राणा रतन सिंह द्वितीय की मृत्यु निसंतान हुई थी, उसके बाद विक्रमादित्य गद्दी पर बैठा। करमवती उसकी संरक्षिका बनी। इसके काल में मार्च 1533 को गुजरात के बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया, लेकिन संधि के बाद लौट गया। फिर आगमन होता है महाराणा प्रताप 1572 से 97। उदय सिंह की कुल 20 रानियां थी, 17 पुत्र पैदा हुए, प्रताप उनमें बड़े थे। मोहनोत्नेंसी के अनुसार 9 मई 1540 को जीवंतबाई के गर्भ से प्रताप का जन्म हुआ। महाराणा प्रताप के बचपन का नाम कीका था। उदय सिंह ने अपनी भटियानी रानी के प्रभाव में आकर उसके पुत्र जगमाल को उत्तराधिकारी नियुक्त किया, लेकिन प्रताप के समर्थकों ने 28 फरवरी 1572 को गोगुंदा में प्रताप का राज्य से भी राज्याभिषेक करा दिया। इससे नाराज होकर जगमाल अकबर की शरण में चला गया। अब बात करते हैं 1572 ईस्वी में लगभग सभी राजपूतों ने शासकों ने अधीनता स्वीकार कर ली, किंतु प्रताप ने के पास 4 शिष्टमंडल आए, किंतु फिर भी महाराणा प्रताप है, उन्होंने संधि नहीं की। देखो, पहले जलाल खाया 1572 में, फिर मानसिंह आया 73 में, फिर राजा भगवंत दास आया अक्टूबर 1573 में, फिर राजा टोडरमल आया 1573 में, फिर हल्दीघाटी का युद्ध हुआ 1576 में। और हल्दीघाटी का जो युद्ध है, बदायूं ने इसे गोगुंदा का युद्ध भी कहा है, अब्बुल फजल ने इसे खमनौर का युद्ध कहा है, और कर्नल टोड ने इस युद्ध को मेवाड़ की थर्मोफोली कहा है, जिसके बारे में सवाल पूछे जाते हैं अक्सर। और इस युद्ध में प्रताप की तरफ से लड़ने वाला एकमात्र मुस्लिम सरदार हाकिम काशूरी था। हल्दीघाटी के युद्ध के निर्णायक बारे में राज प्रशस्ति, राजविलास और जगदीश मंदिर प्रशस्ति में प्रताप को विजयी बताया गया है। फिर देखेगा इसके अलावा कुंभलगढ़ का युद्ध हुआ 3 अप्रैल 1578 को। महाराणा प्रताप के लिए मैं विशेष आपको इस
अलग से एक वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। दिवेर का युद्ध हुआ 1582 को, ठीक है। इसके बाद में हम लोग चलते हैं तो सीधा महाराणा अमर सिंह प्रथम की बात करते हैं। 1597 से 1620 तक रहा। इनका जन्म 6 मार्च 1559 को हुआ था। 19 जनवरी 1597 को 54 में इनका राज्य अभिषेक देखेगा। इसके बाद हम लोग चर्चाएं करते हैं तो 1615 जैसे महाराणा जगत सिंह के बारे में चर्चा है कि 1628 से 1652, फिर महाराणा राज सिंह आए 1652 से 1680, फिर महाराणा जगत सिंह के पुत्र उनका पुत्र राज सिंह 10 अक्टूबर 1652 इनका राज्य अभिषेक बनाया। इन्होंने अपने पिता के काल से जारी चित्तौड़ दुर्ग की मरम्मत के कार्य को जारी रखा, लेकिन शाहजहां ने सादुल खां को भेजकर उसे तोड़वा दिया। साजा के पुत्रों के छिड़े उत्तराधिकार के युद्ध का फायदा उठाकर महाराणा ने खोए प्रदेशों को पुनः प्राप्त कर लिया। 1660 में महाराणा ने किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती, किशनगढ़ के राजा रूप सिंह की पुत्री से विवाह किया और उसका विवाह मुगल सम्राट औरंगजेब से होना था। राज सिंह ने मुगलों से संभावित युद्ध को भंग कराना उदय सिंह तथा प्रताप की भांति गिरवा में सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ की और 1674 में गिरवा के फाटक जिसे देवबारी कहते हैं पर सुदृढ़ की वाड़ लगवाए थे। अपने साथियों प्रजा में सैनिक जीवन की अभिव्यक्ति के लिए विजय कट कातु की उन्होंने उपाधि धारण की। इसके बाद महाराणा जयसिंह आए 1680 से 1698 और उसके बाद महाराणा अमर सिंह द्वितीय आए 1698 से 1710, फिर महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय 1710 से 1734, महाराणा जगत सिंह द्वितीय 1734 से 78 में आए और इन्होंने देखेगा 1734 में गद्दी पर बैठे मेवाड़ के मराठों का प्रथम प्रवेश हुआ और मराठों के द्वारा मेवाड़ से कर वसूल किया जाने लगा। 17 जुलाई 1734 को राजस्थान के राजाओं का मराठों के विरुद्ध होडा नामक स्थान पर सम्मेलन बुलाया, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में आता है। 17 जुलाई 1734 को राजस्थान के राजपूत राजा अपने अपने स्वार्थों की पूर्ति था एक जगह इकट्ठे हुए। 17 जुलाई 1764 में हुडा भीलवाड़ा में आमिर केसवाई जयसिंह, जोधपुर अभय सिंह, बीकानेर जोरावर सिंह, कोटा के दुर्जन साल, बूंदी के दलल सिंह और नागौर के भगत सिंह, किशनगढ़ के राज सिंह, करौली के गोपाल सिंह एकत्रित हुए। इस सम्मेलन की अध्यक्षता मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह ने की। इस सम्मेलन में एक अहदनामा तैयार किया गया, ठीक है। इसके बाद में महाराणा भीम सिंह जो 1778 में गद्दी पर बैठे और 1818 ईस्वी में महाराणा सरदार सिंह मेवाड़ के शासक बने। अन्य सिसोदिया राज्यों की बात करें तो मेवाड़ के राजवंश के वीरों में 4 अन्य रियासतें जैसे प्रतापगढ़ थी, डूंगरपुर थी, शाहपुरा बांसवाड़ा थी। मेवाड़ के गुहिल शासक सामन सिंह ने 1177 में जालौर के कीर्तिपाल को हराने के बाद बागड़ के परमारों को हराकर गुहिल वंश की स्थापना की। अब स्पेशल वीडियो लेकर के आएंगे जिसमें हम लोग डिटेल्स बताएंगे। थैंक यू।